अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। हमेशा अपने विवादास्पद बयानों के चलते चर्चा में रहने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महंत डॉक्टर पूजा शकुन पांडे को आज उनके अलीगढ़ स्थित आवास से पति समेत गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले पर फायरिंग करने के एक्टिंग में गिरफ्तार किए गए शकुन पांडे को अब उनके ताजा बयान के चलते गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने आरोप लगाया था कि कोरोना महामारी को देश में फैलाने का काम तबलीगी जमाती कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें गोली मार देनी चाहिए। शकुन पांडे को सीओ बना देवी पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में गई पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर महिला थाने ले आई। दरअसल पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्ला की तहरीर पर पूजा शकुन पांडे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पूर्व विधायक का कहना है कि दिल्ली निजामुद्दीन मरकज और जमातियों को लेकर कुछ लोगों द्वारा समुदाय विशेष को गलत तरीके से, गलत नजरिए से पेश किया जा रहा है। ऐसा कर कुछ लोग आपसी भाईचारे को खत्म करने के लिए नित्य नए हथकंडे अपना रहे हैं। किस मामले में हुई? एक पत्र लिखा गया था माननीय प्रधानमंत्री जी को, देशवासियों की रक्षा के लिए बोला था, और जो इजाफा कोरोना को लेकर के एकदम से एक पर्टिकुलर कॉम ने किया, गैर जिम्मेदार हरकत निभाई है, उसको लेकर के एक आक्रोश था, जिसको लेकर के हमने एक पत्र लिखा था कि ऐसे में शूट एट फर्स्ट साइट के आदेश देने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए देशवासी, भारतवासी, मेरे पुलिसकर्मी, मेरे डॉक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एक डॉक्टर की जान जाती है, पुलिस वालों पर थूका जाता है, जो कि काबिले बर्दाश्त नहीं है। रीजन बींग, ये लोग हमारे रक्षक हैं, और ऐसे में हम नहीं चाहते हैं कि ये चीज फैले और ये लोग जिहाद के रूप में जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के। तो क्या आप? जी मेयर को नहीं पता अभी आगे क्या होता है, अभी तो मुझे लाया गया है, प्रशासनिक कुछ ड्यूटीज है। 4 अप्रैल को थाना गांधी पार्क क्षेत्र में अशोक पांडे व श्रीमती पूजा शकुन पांडे, जो राष्ट्रीय सचिव हैं अखिल भारत हिंदू महासभा की, इन्होंने एक विवादित व अमर्यादित टिप्पणी की थी तबलीगी जमात को संदर्भ में लेकर एक विशेष समुदाय पर, जिसके संदर्भ में थाना गांधी पार्क पर धारा 153A व धारा 505 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।